Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment and do subscribe to my channel. It will really means a lot to me. Guys, in today's video, I'm going to talk about this foundation from MAC and I am in shade NC30. This foundation mein SPF 15 mil jata hai aapko, do sizes mein available hai, ye mini size and the big one. जो बड़ा साइज है वो रिटेल करता है 3,300 रुपीज। आपको ये थोड़े बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने नायका से बाय किया था इसको। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। जो कैप है बहुत ही स्टेडी है, मैट फिनिश के साथ आता है। देयर इज अ बैड थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन दैट इट डजंट कम विद अ पंप। तो बहुत ही बुरा है ये, बिकॉज बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है फाउंडेशन को विदाउट पंप यूज करना। बिकॉज एवरी टाइम जब आपको इसको अप्लाई करना है, हैव टू डिस्पैच इट विद अ स्पैचुला और आपको फिंगर की हेल्प से इसको लगाना पड़ेगा, विच इज वेरी अनहाइजीनिक अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरटोन्स की। तो यहाँ पे तीन तरह की अंडरटोन्स होती हैं, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। तो इसका जो अंडरटोन है दैट इज यू नो अ गोल्डन काइंड ऑफ। तो मीडियम से फेयर स्किन टोन वाले यूज कर सकते हैं इसको। एंड जो मैक का फाउंडेशन वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज करता है, स्पेशली इन माई केस इट इज हैपनिंग, बट मुझे नहीं पता बाकियों के लिए ऐसा होता कि नहीं। ये ऑक्सीडाइज बहुत ज्यादा करता है, जैसे कि ये शेड है, आपको मैं अभी स्वॉच करके दिखाती हूँ, मैं दिखाऊंगी कितना ज्यादा ये ऑक्सीडाइज करता है। ब्लेंडिंग की बात करूँ बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है, मीडियम टू फुल कवरेज है इसकी। एंड आप इसको बिल्डेबल कर सकते हैं, मतलब अगर आप दो लेयर्स भी लगाएंगे तो ये केक ही नहीं लगेगा। This is how the single swatch looks like of this foundation. इसके बाद ये ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। ये थोड़ा डार्क हो गया है, मैं आपको इसके साथ एक स्वॉच करके दिखाती हूँ फाउंडेशन का। सो दिस इज हाउ द फ्रेश स्वॉच ऑफ द फाउंडेशन लुक्स लाइक एंड द टॉप वन इज द ऑक्सीडाइज फाउंडेशन। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ये कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, बट दिस इज अ गुड शेड मैच फॉर माई स्किन टोन। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, आप मैक के स्टोर पर जाके अपना अच्छा सा शेड मैच कीजिए, उसी के बाद बाय कीजिए, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, राइट। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।